तो दोस्तों आज हम लोग जिस फोन के अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो हमारे पास ओप्पो की तरफ से ओप्पो का A74 5G जो कि इंडिया में लॉन्च हो चुका है। एंड इंडियन मार्केट में ओप्पो के बहुत ही सारे लवर्स हैं, उन लवर्स के लिए इस फोन की मैं आज अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। इसमें कैसा इसका डिस्प्ले, कैसा इसकी स्पेसिफिकेशन, कैमरा क्वालिटी, बैटरी, सब कुछ इसी फोन में आज हम लोग जानेंगे, इसी वीडियो में सब कुछ जानेंगे। एंड कैसा ये फोन होने वाला है, लास्ट ओपिनियन में इसको आपको बाय करना चाहिए नहीं बाय करना चाहिए। फटाफट बॉक्स कर लेते ओपन, इसको रखते हैं साइड में। एंड इसके अंदर रखा है हमारा एक और बॉक्स, इसके अंदर हमें मिलता है ट्रांसपेरेंट बैक कवर, कुछ डॉक्यूमेंट्स पेपर जो इसी फोन को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट करेंगे, इसको रखते हैं साइड में। एंड ये रखा है हमारा फोन अपने प्रोटेक्शन के साथ में। लुक वाइज देखा जाए तो पहले लुक में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखने में लग रहा है, काफी आपको ग्रेट शाइनिंग लुक देखने के साथ मिलता है, इसको रखते हैं साइड में। एंड साथ ही ये मिलता है हमें एक चार्जर जो इसे फोन को चार्ज करने में काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। एंड इसमें आपको एक टाइप सी केबल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। इन सबको रखते हैं साइड में, बढ़ते हैं अपने फोन की फर्स्ट लुक की तरफ। दोस्तों इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करें, डिजाइन बिल्ड क्वालिटी इसका पहले लुक में बहुत ज्यादा आपको शाइनिंग बैक देखने को मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम के साथ ये फोन आता है, प्लास्टिक बैक का भी उपयोग किया गया है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है, बट देखा जाए तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी से काफी ज्यादा अच्छी खासी देखने को मिलती है। कैमरा लेआउट काफी आपको बड़े देखने को मिलते हैं, काफी आपको यूनिक सा डिजाइन देखने को मिलता है। 3 कैमरा सेटअप के साथ ये फोन आता है एंड बहुत ही लुक वाइज बहुत ही तगड़ा देखने में लग रहा है। शाइनिंग बैक के साथ ये फोन आ रहा है एंड इसका जो कलर कॉन्टेंट है वो मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा एंड बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्टिव है। जब जब इस पर लाइट पड़ी तब तो बहुत ही ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड काफी आपको एक ग्रेटफुल फील देने वाला है। डिवाइस के लुक की बात करें तो बहुत ही ऑसम देखने को मिलता है, डिवाइस में लुक में कहीं से भी कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। एंड फ्रेम्स की बात की जाए तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, इसमें आपको 3.5 जैक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो इस प्राइस में बहुत ही अच्छा काम किया डिजाइन बिल्ड क्वालिटी में भी एंड काफी अच्छे खासे आपको एक पोर्ट्स भी देखने को मिलते हैं 3.5 mm जैक। अब तो सभी फोनों में से पोर्ट्स को हटा दिया गया है बट इसमें आपको देखने को मिलता है एंड साथ ही इसमें आपको 5G का भी आनंद देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही ग्रेट आपके लिए फोन होने वाला है। डिजाइन बिल्ड क्वालिटी आप जैसा कि देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको यूनिक देखने को मिलता है। फ्रंट डिस्प्ले की बात की तो पंच होल डिस्प्ले से ये फोन आता है एंड पंच होल डिस्प्ले बहुत ही ज्यादा इसका यूनिक है। साथ ही देखा जाए जो कैमरे पे डिजाइन को जो लेआउट और डिजाइन का वो बहुत ही तगड़े तरीके से डिजाइन किया एंड काफी आपको अच्छी खासी आपको कैमरा डिजाइन देखने को मिलती है। कैमरा में आपको एक 48 MP का कैमरा सेंसर का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड ओप्पो की आपको सामने ब्रांडिंग देखने को मिलती है। तो डिजाइन बिल्ड क्वालिटी पे जो काम किया है वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव देखने में लग रहा है एंड काफी ग्रेटफुल काम किया है। बहुत ही शाइनिंग बैक के साथ ये फोन आता है। डिस्प्ले क्वालिटी तो डिस्प्ले क्वालिटी से बहुत ही ज्यादा लाजवाब देखने को मिलती है। अगर बेजल्स की बात की जाए तो बहुत ही आपको छोटे बेजल्स देखने को मिलते हैं पंच होल डिस्प्ले के साथ ये फोन आता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी देख सकते हैं जो ब्राइटनेस की थ्रू है वो आपको 418 nits की ब्राइटनेस सपोर्ट देखने को मिलती है जो कि आउटडोर में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकती है। डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो 6.5 inches के आपको डिस्प्ले साइज देखने को मिलती है जो कि बहुत ही अच्छी खासी है। रेवोल्यूशन टाइम में 1080p का आपको रेवोल्यूशन सपोर्ट देखने को मिलता है, इवन यहाँ पे आपको 90Hz का पैनल भी सपोर्ट देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी पे जो काम किया वो भी आपको ग्रेटफुल देखने को मिलता है, बट यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आपको यहाँ पे डिस्प्ले के ब्राइटनेस पे देख सकते हैं। जो आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस को आपको यूज करेंगे 418 nits की ब्राइटनेस से थोड़ी सी आपको दिक्कत ब्राइटनेस के थ्रू हो सकती है, बस इसका ब्राइटनेस काफी ज्यादा लो देखने को मिलता है। बट और तो देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी पे काफी अच्छा खासा काम किया, 90Hz का पैनल बहुत ही स्मूथ चल रहा है एंड बहुत अच्छे से आप गेमिंग को एक्सपीरियंस को एंजॉय कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। तो डिस्प्ले क्वालिटी पे जो काम किया वो भी आपको बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। इसके हाईलाइट कैमरे की तरफ जिसमें आपको क्वाड कैमरा का सपोर्ट देखने को मिलता है, 48 MP प्लस 8 MP +2 +2 का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, माइक्रो प्लस डेप्थ का आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलता है एंड फ्रंट कैमरे में देखा जाए तो 60 MP का कैमरा ऑप्शन देखने को मिलता है। चलिए फटाफट इसी फोन से कुछ फोटोज को देखते हैं। दोस्तों इसी रियर कैमरे की 48 MP की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे खासे आपको कैमरा सेंसर देखने को मिलते हैं, जो इसका डायनेमिक रेंज है बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलता है, लाइट को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है एंड काफी अच्छी खासी आपको ये नाइट की फोटो है तो बहुत अच्छी तरीके से ये कैप्चर कर रहा है एंड बहुत ही इंप्रेसिव रिजल्ट दिखाने को मिलता है। बट देखा जाए कैमरा क्वालिटी से काफी ज्यादा अच्छी लगी एंड पहले लुक मुझे इसका कैमरा बहुत ही अच्छा खासा लगा है। साथ ही साथ मैं बता दूं इंडिया मार्केट में ओप्पो बहुत अच्छा खासा कैमरे को लॉन्च करता है एंड कैमरे की डिमांड इसकी बहुत ही ऊपर हाई रहती है एंड बहुत ज्यादा लोग इसको डिमांड करते हैं कैमरे के मामले में। देखा जाए तो इस फोन में बहुत अच्छे खासा कैमरा का उपयोग किया गया है। साथ ही आप मोर में ऑप्शन देखेंगे तो पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जो कि काफी अच्छे तरीके से ऑब्जेक्ट को फोकस करके पीछे का सीन को ब्लर कर रहा है एंड अगर मोर में देखेंगे तो आपको ढेर सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा ऑप्शन सभी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं जो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो 720p 1080p आपको एक 30fps की रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलती है, इवन यहाँ पे आपको 60fps का कोई भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। 720p आपको 60fps की सिर्फ रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलती है बट 1080p आपको कोई भी रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, बस यहाँ पे थोड़ी सी अगर 1080p आपको 60fps मिल जाता तो बहुत अच्छा खासा होता। साथ ही इसमें ढेर सारे ऑप्शन तो आपको कैमरे में भर भर के देखने को मिलते हैं, जिसका रियर कैमरा मुझे काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा एंड काफी अच्छा खासा इस पर कैमरे पे भी काम किया है। कैमरे लवर्स के लिए फोन काफी ज्यादा अच्छा खासा होने वाला है। बात करते हैं सेल्फी लवर्स के लिए, सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल का जो कैमरा सेंसर मिलता है वो पंच होल के साथ आता है, पंच होल का कैमरा इसका काफी ज्यादा यूनिक है,
काफी अच्छी खासी आपको ब्राइटनेस थ्रू देख सकता है, स्किन टोन काफी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है एंड काफी अच्छे तरीके से ब्यूटी को भी मेंटेन कर रहा है। तो जो स्किन टोन है उसका काफी अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है, बहुत अच्छे तरीके से फोटो कैप्चर कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको लाइटिंग एक्सपोज देखने को नहीं मिलता, अच्छे तरीके से सब कुछ मेंटेन कर रहा है। जिसका फ्रंट का कैमरा वो भी बहुत ज्यादा अच्छा खासा है, पोर्ट्रेट का भी ऑप्शन देख सकते हो, तो पोर्ट्रेट में भी आपको अच्छी खासी ब्लर का ऑप्शन देखने को मिलता है, फोकस काफी अच्छा खासा है। एंड अगर मोर की बात की जाए तो मोर में भी जैसा आपको रियर में देखने को मिलता है वैसा ही आपको फ्रंट में भी ऑप्शन देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग में देखा जाए तो 720p 1080p आपको रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलती है, इवन यहाँ पर आपको 30fps की रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलती है। बात कर सकते हैं परफॉर्मेंस की, अगर परफॉर्मेंस की बात करें इसमें कॉलकॉन का स्नैपड्रैगन 840 का 5G चिपसेट लगा जो कि आपको 8 नैनोमीटर पे आता है एंड ऑक्टा कोर के साथ ये प्रोसेसर आता है। जीपीयू की बात की जाए तो एंड्रीनो 619 का सपोर्ट देखने को मिलता है। मैं बता दूं तो इस प्राइस में आपको बहुत अच्छी खासी आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है, हाई सेगमेंट में जाएंगे तो आपको डायमंड से 700 का प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट अगर 15 जाकर देखा जाए समथिंग तो आपको एक 485G का प्रोसेसर बहुत ही आपको ग्रेटफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है। एंड्रॉइड 11 के साथ ये फोन आता है एंड कलर ओएस की बात की जाए तो 11.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। गेम एक्सपीरियंस की बात की जाए तो आपको यहाँ पे पबजी स्मूथ प्लस 30fps की रिकॉर्डिंग सपोर्ट देखने को मिलेगी, बहुत ज्यादा हाई सेगमेंट के लिए गेम नहीं मिला बट इसमें आपको 5G डेफिनेटली चलने को मिलता है जो कि 5G लवर्स के लिए काफी ज्यादा अच्छा खासा होगा। रैम वेरिएंट की बात की जाए तो 6GB रैम के साथ ये फोन आता है, 128GB इंटरनल इसका है, साथ ही साथ इसमें आपको 5G रैम का एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिलता है वर्चुअल। बैटरी क्वालिटी की बात की 5000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है जो आपको 18W का चार्जर सपोर्ट देखने को मिलती है जो कि बहुत अच्छा खासा है, साथ ही साथ इसका जो बैटरी है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए यूज भी किया जा सकता है। छोटी पर्पज से देखा जाए तो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, फेस लॉक का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब लास्ट ओपिनियन मेरे हिसाब से देखा जाए तो इस प्राइस में आपको 15490 के हिसाब से देखा जाए तो 6GB रैम 128GB इंटरनल साथ ये फोन बहुत ज्यादा लाजवाब होने वाला है। T1 की जगह ये फोन ले सकता है एंड T1 का कंपटीशन आपको देख सकते हैं, T1 5G जो इंडिया में लॉन्च हुआ था वो 4128 पे वो आपको 16000 समथिंग देखने को मिलता है, बट ये 16000 समथिंग में आपको एक बहुत अच्छी खासा 6GB रैम 128GB इंटरनल का ऑप्शन देखने को मिलता है। काफी ग्रेटफुल पे काम किया ओप्पो वालों ने एंड बहुत ही अच्छा खासा इसमें फोन को लॉन्च किया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब, मिलते हैं मजा आता तो प्लीज बाय।